हेलो गाइस, मैं ललिता महाकाल और आज हम बनाने वाले हैं नॉनवेज। नॉनवेज के लिए हमने प्याज फ्राई करी है, देखिए। और हमने इसमें कुछ थोड़े मोटे मोटे गरम मसाले डाले हुए हैं और अब हम डालेंगे इसमें ये नॉनवेज है जो हमने पहले दही डाल करके मसाले वगैरह डाल करके सब मिक्स करके रख दिया था एक घंटे तक। और अब हम इसको तेल में डालने वाले हैं। देखिए, और अब हमने ये नॉनवेज डाल दिया है इसमें और अब हम इसको मंदी आंच पर धीरे धीरे पकाएंगे। इसमें हमने दही, नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था। मिक्स कर हमने एक घंटे तक रख दिया था और अब हम इसको तेल में डाल दिया है। बताइएगा कैसा लगा। और अब हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे और अब हम इनको पीसेंगे, बारीक बारीक मिक्सी के जार में डालेंगे और 2-3 मिनट तक घुमा करके बिल्कुल बारीक हो जाएंगे ये, फिर हम इसको सब्जी में डालेंगे। अब देखिए, ये हमने बिल्कुल बारीक पीस लिए हैं और सब्जी को देखते हैं। अब हम देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है, इसका मतलब है अब सब्जी पकने वाली है। और अब हम इसको डालते हैं, इसको अब हम सब्जी में डालेंगे। देखिए, अब हमने ये सारी प्याज हमने डाल दी हैं। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम इसको 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखते हैं 20 मिनट बाद। और अब हमने इसमें आधा गिलास पानी डाला है ताकि ये अच्छे से गल जाए। देखिए कलर अभी कितना अच्छा लग रहा है। बस अब हम इसको 10 मिनट तक और पकाएंगे, फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो हमारी सब्जी बन चुकी है और अब हम डालेंगे इसमें धनिया जो मैंने पहले से ही सुखा कर पीस रखा है। अब हम थोड़ा सा धनिया लेंगे। सब्जी आपको कैसी लगी? देखिए बहुत अच्छे से पक रही है मेरी सब्जी नॉनवेज की। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब बताइएगा कि मेरी सब्जी कैसी लगी आपको। लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।